गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल तो दोस्तों आज है सत्ताईस सितंबर 2020 और सत्ताईस सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो की पूरी पी फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से सारे वीडियो पी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप थर्टी का भी पी चाहिए तो उसका भी उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे आज के जो भी हमारे पास टोटल टेन क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा ठीक है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से आपको चार या पाँच क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के को ऊपर भी फोकस बनाए रखना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर युवराज सिंह राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा ठीक है क्रिकेटर युवराज सिंह ठीक है और यहाँ पे हम यदि बात करें आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में आकाश सर्विस लिमिटेड के बारे में तो इसका हेडक्वाटर कहाँ पर स्थित है तो इसका हेडक्वाटर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है ठीक है और प्रजेंट टाइम में इसका सी कौन है तो ये है जे सी चौधरी ठीक है जे चौधरी जो प्रजेंट टाइम में इसके सी एम है और सी ये है आकाश चौधरी तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बारहवीं पास छात्रों को कितने रुपए देने की घोषणा की है तो अभी हाल ही में जो बिहार सरकार है इसने घोषणा की है कि यदि कोई छात्र बारहवीं पास करता है तो उन्हें पच्चीस हज़ार रुपये देने की घोषणा किया गया है कितने टोटल पच्चीस हज़ार रुपये और उन्हें पच्चीस हज़ार रुपये घोषणा की गई है और आप जब ग्रेजुएट होने पर भी आप पास होते हैं यानी फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं तो ग्रेजुएट पर आपको पचास हजार रुपये देने की घोषणा किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज बिहार के बारे में बिहार तो राजधानी क्या है बिहार की राजधानी है पटना मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू सिंह चौहान ठीक है फागू सिंह चौहान जो प्रजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के खिताब किसने जीता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है गुरप्रीत सिंह राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ठीक है गुरप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह और संजू ये दोनों ने ही यानी इन दोनों ने ही इस अवार्ड को जीत लिया है और यहाँ पे हम बात करें गुरप्रीत सिंह के बारे में तो ये कौन है गुरप्रीत सिंह तो ये ये भारतीय फुटबॉल टीम में यानी भारतीय फुटबॉल टीम के यानी कि मतलब कि पुरुषों के टीम में ये गोलकीपर है जो गुरप्रीत सिंह है ये क्या है गोलकीपर है ये आपको याद रखना होगा ठीक गोल है गोलकीपर है पुरुष पुरुष में एक बात कर रहे हैं ठीक है थीके? और जो यहाँ पे संजू है ये महिला फुटबॉलर टीम की मिडफील्डर है ठीक है संजू तो इन दोनों के ही बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा और यहाँ पे हम आज बात करेंगे किसके बारे में तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में ठीक है तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और प्रजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है तो ये है प्रफुल पटेल प्रफुल पटेल जो प्रजेंट टाइम में भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं तो ये भी आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास फोर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है ये कौन थे हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है ये कौन थे तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ठीक है गायक और ये गायक थे और इन्होंने तेलुगु आपको यहाँ पर भाषा नोट करना हो तो कर सकते हैं तेलुगु तमिल मलयालम कनाडा और हिंदी सहित सोलह भाषाओं में टोटल चालीस हजार से अधिक गाने भी गाए हैं और अभी इनका हाल ही में पचहत्तर वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ठीक है तो एस पी बाला सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध गायक थे ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन के ऊपर फाइव नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में सीट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ठीक है बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और ये सीट टायर के ब्रांड एम्बेसडर अगले दो साल के लिए बनाए गए हैं कितने साल के लिए दो साल के लिए बनाए गए हैं और आमिर खान को 2003 में पद्मश्री आपको यहाँ पे सारा डिटेल में लिखना होगा तो लिख सकते हैं आमिर खान जो है इन्हें 2003 में पद्मश्री और 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है तो ये भी याद रखेंगे आप आमिर खान से रिलेटेड अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात करी रहे हैं तो जो सलमान खान है सलमान खान ये अभी हाल ही में भारत पे के भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान और आलिया भट्ट जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ये अभी हाल ही में फोन पे के फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद तो ये प्रेजेंट टाइम में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ठीक है थीके? एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं सोनू सूद को तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिक्स नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है उत्तराखंड में और ये है ये क्या है तो देखिए इस आनंद वन में राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और जो नेचुरल सीन है यानी कि प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा और यही है फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है ठीक है उत्तराखंड में अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में तो राजधानी क्या है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्या और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये कौन है तो ये हैं रवि भलीमत तो ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेवन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप ट्वेंटी सिक्स किस शहर में आयोजित किया जाएगा तो ये आयोजित किया जाएगा ग्लास्को में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ठीक है ग्लास्को में और ग्लास्को ये कहाँ स्थित है तो ये स्थित है स्कॉटलैंड में ठीक है ग्लास्को है ये स्कॉटलैंड में स्थित है कहाँ पर स्थित है स्कॉटलैंड में ठीक है और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले स्कॉटलैंड के बारे में तो कैपिटल क्या है कैपिटल है एडिन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग तो ये भी नोट कर लेना होगा स्कॉट स्कॉटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास एट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन के ऊपर ये है हाल ही में आईपीएल 2020 के तेरहवें सीजन में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं के एल राहुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के एल राहुल और आईपीएल के छठवें मैच में इन्होंने ये कारनामा दिखाया है और जब मैच किंग्स यानी इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जा रहा था तब इन्होंने ये शतक लगाया था ठीक है तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो कि आईपीएल में सौ मैच जीतने वाले ये पहले कैप्टन बने हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं ठीक है चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी और यहाँ पे हम बात करेंगे अखिल खान के बारे में अली खान अली खान तो आई खेलने वाले ये पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं और ये खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ठीक है और इस बार जो आई के सबसे महंगे खिलाड़ी ये कौन बनाए गए हैं तो ये बनाए गए हैं पेट कमिन्स जो आई के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं और उन्हें टोटल पंद्रह दस पंद्रह पॉइंट पाँच करोड़ रुपए में खरीदा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास नाइन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के बड़े विमान राफेल की पहली महिला पायलट ये कौन बनाई गई है तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गई हैं शिवांगी सिंह राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा शिवांगी सिंह कुछ दिनों पहले कुछ दिन पहले ही मतलब राफेल लड़ाकू विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और इसी की पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह ठीक है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं कहाँ से वाराणसी से तो ये भी आपको इनके बारे में याद रखना होगा अब यहाँ पे आइए सबसे पहले हम बात कर इसके बारे में करेंगे तो भारतीय वायु सेना के बारे में बात करेंगे यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंडियन एयरफोर्स तो इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी आठ अक्टूबर उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में हमारे एयर चीफ मार्शल ये कौन है तो ये है आर के एस भदौरिया ठीक है और वॉइस चीफ ये हैं एच एस अरोड़ा एच एस अरोड़ा तो ये भी नोट कर लेना होगा और यहाँ पे पहली महिला की जिक्र कर ही रहे हैं पहली महिला की तो जो आपको ऑप्शन नंबर में ओनी चतुर्वेदी दिखाई दे रही हैं ओनी चतुर्वेदी जो ओनी चतुर्वेदी हैं ये इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से ठीक है जो तान्या शान्याल है ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फायर फाइटर बनाई गई हैं ठीक है थीके? फायर फाइटर बनी है और हीना जायसवाल तो ये अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर इंजीनियर बनाई गई हैं तो इन तीनों के ही बारे में आपको याद रखना होगा ठीक है

और ज्यादा डेवलप कराने के लिए यानी ज्यादा डेवलप कराने के उद्देश्य से इसका शिलान्यास किया गया है केरल में राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले केरल के बारे में तो केरल की राजधानी क्या है राजधानी है तिरु अनंतपुरम और तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस्टिक पार्क स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री है पिंड्राई विजयन और राज्यपाल हैं ये हैं आरिफ मोहम्मद खान तो ये भी याद रखना होगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हमारे पास कल का सवाल था कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में वायुसेना के बड़े विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनेंगी गई हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग आज भी मैंने दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवांगी सिंह जो भारतीय वायुसेना के बड़े विमान जो राफेल है इसकी पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह आगे बढ़ते हैं हमारे पास आज का जो सवाल है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हाल ही में बिहार सरकार ने बारहवीं पास छात्रों के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद